हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूनिट नंबर 3 यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हमने कवर किया था एनाटॉमी, फंक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मेचुरेशन रिफ्लेक्स, किडनी रोल इन एसिड बेस बैलेंस, आरएएस सिस्टम। आज का जो आपका फाइनल टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ किडनी। अगर आपको ये सारे लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज का आपका टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ किडनी, जिससे जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कभी कभी 5 मार्क्स में आएगा। तो 5 मार्क्स में कैसे लिखना है मैं आपको हिंट दे दूंगा और मैं आपको 2 मार्क्स के लिए अच्छे से बताऊंगा। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डिसऑर्डर ऑफ किडनी से आपको जनरली 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है और इस तरह से क्वेश्चन बनता है डिसऑर्डर ऑफ किडनी से, राइट एनी 2 डिसऑर्डर ऑफ किडनीज। तो आपको लिखना है जैसे रीनल कैलकुलाई, या फिर आप बोल लो किडनी स्टोन, ये नाम तो आपने सुना भी होगा। दूसरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पर सर अगर 5 मार्क्स में आ जाए तो कैसे लिखना है। अगर 5 मार्क्स में आपको डिसऑर्डर ऑफ किडनी आ जाए, जो कि आ ही नहीं सकता, फिर भी अगर आ जाए तो आपको पैथोफिजियोलॉजी में जो क्रॉनिक किडनी डिजीज और एक्यूट किडनी डिजीज दे रखी है वो दोनों आप लिख सकते हैं। ये दोनों मैंने आपको पढ़ा रखा है पैथोफिजियोलॉजी में, क्रोनिक किडनी डिजीज और एक्यूट किडनी डिजीज। तो आप सेम एज इट इज यहाँ पर लिख सकते हैं। 5 छोड़ो 25 नंबर का कंटेंट हो जाएगा, इतना अच्छा पढ़ा रखा है मैंने क्रोनिक किडनी डिजीज। तो आपको नाम नाम याद रखने हैं बेसिकली, फिर भी मैंने आपको डेफिनेशन दे रखी है। जैसे रीनल कैलकुलाई, उसको हम कहते हैं किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को क्या नाम कहते हैं हम, रीनल कैलकुलाई। या फिर और भी कई नाम है जैसे नेफ्रोलिथियसिस, यूरोलाइटियसिस, ठीक है। तो आप तो सिंपल नाम याद रख लो, किडनी स्टोन या फिर रिनल कैलकुलाई। आर द हार्ड डिपॉजिट ऑफ मिनरल एंड सोल्ट दैट फॉर्म इनसाइड योर किडनी, दिस आर यूजली पेनफुल व्हेन पास्ट। आपको किडनी स्टोन हो जाते हैं, कई पेशेंट्स को आपने देखा होगा किडनी स्टोन काफी कॉमन होती है। तो डॉक्टर बोलते हैं बियर वगैरह पीने की, तो उसमें क्या होता है, बियर पीने से फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार टॉयलेट आती है, और जब बार बार टॉयलेट आएगी तो हो सकता है किसी केस में वो स्टोन जो है निकल जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है डॉक्टर प्रिफर करते हैं, और बहुत ज्यादा पानी पीने को आपको कहते हैं किडनी स्टोन की कंडीशन में। तो किडनी स्टोन में होता क्या है, हार्ट डिपोजिट हो जाता है मिनरल और सोल्ट का हमारी किडनी के अंदर, जो कि काफी पेनफुल होता है। चलिए दूसरा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हमारे यूरिन के रास्ते में, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब यूरिन का रास्ता जिससे यूरिन बाहर जा रहा है, तो वहां पर इन्फेक्शन हो जाना, तो यूटीआई बोलते हैं इसको शॉर्ट में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, यूटीआई। ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज ए इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको कहा, हमारे यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर भी दिक्कत आ जाना, उसे हम कहेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, विच इंक्लूड योर किडनी, ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। आगे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि महिलाओं में चांसेस ज्यादा होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। इन वुमेन द चांसेस ऑफ गेटिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज हाई। इट इज यूजली कॉज व्हेन माइक्रोब्स एंटर ट्रैक्ट एंड कॉज इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तभी होता है जब बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की हमारे यूरिन के पाथवे में, हमारे यूरिनरी सिस्टम के पाथवे में बैक्टीरिया की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, उस कंडीशन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। और ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन टॉयलेट रोकने से भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा टॉयलेट रोकते हो तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और आपको हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और भी है, जैसे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और रीनल फेलियर, किडनी ही फेल हो जाती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो पीकेडी। इट इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच क्लस्टर ऑफ सिस्ट डेवलप इन किडनी। हमारी किडनी में क्लस्टर मतलब गुच्छा बन जाता है सिस्ट का। क्लस्टर ऑफ सिस्ट डेवलप इन अवर किडनी, दिस सिस्ट आर फिल्ड विद फ्लूइड। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो सिस्ट होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं फ्लूइड से, विच आर नॉन कैंसरस एंड डू नॉट लीड टू कैंसर, जिसमें कैंसर वगैरह नहीं होता पर हाँ पेनफुल होता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज नेफ्रोब्लास्टोमा, नेक्स्ट इज किडनी हाइड्रोनेफ्रोसिस, एंड द नेक्स्ट इज यूरेथ्राइटिस, एंड फाइनल इज यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर इज ऑल्सो नोन एज कार्सिनोमा।
कार्सिनोमा मीन्स कैंसर कोजिंग एजेंट. इट इज अ कैंसर दैट बिगिन इन ब्लैडर इट अफेक्ट एडल्ट एज यूजुअली गेट डायग्नाइज अर्ली एंड इट इज ट्रीटेबल इट इज लाइकली टू रीअकर. यहाँ पर आपको बोला गया है कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर कब होता है, जब कोई कार्सिनोमा अटैक कर दे, कैंसर कोजिंग एजेंट अटैक कर दे. यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आपने अर्ली डिटेक्शन, आपने चाइल्डहुड में ही इसको चेक करवा लिया तो. अगर ये बढ़ता जाएगा तो बहुत आपको दिक्कत देगा. ठीक है, तो अर्ली डिटेक्शन अर्ली ट्रीटमेंट सही होता है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का. तो आप इनके बारे में दो दो तीन तीन लाइनें दे रखी है मैंने, उनको रीड आउट कर लीजिएगा. इतना ही इसके बारे में आपको पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इनसे क्वेश्चन नहीं बनता. ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए है. फिर भी मैंने आपको इतना नाम दे दिए हैं कि अगर आपको इनमें से पूछा जाए कि किडनी स्टोन क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, तो आप बता सकते हो. वैसे तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन बनेगा नहीं, अगर बनेगा तो इस तरह से बनेगा कि डिसऑर्डर ऑफ किडनी के 2 नाम बता दीजिए और एक एक लाइन में उन्हें एक्सप्लेन कर दीजिए, ये मोर देन सफिशियंट. अगर 5 नंबर में बनता है तो क्रोनिक किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी डिजीज, किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत सारा है लिखने को. ठीक है, आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा. यह आज आपका एस्क्रेटरी खत्म हो गया, बहुत जल्द अपन रेस्पिरेटरी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन मैंने कंप्लीट कर दिया पहले ही, और लास्ट में जीन, प्रोटीन, क्रोमोसोम, और फिर आपका HAP का सिलेबस खत्म हो जाएगा. अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना. नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को चेक कर सकते हो. आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि आपको कैसे लिखना है. टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर टेलीग्राम की लिंक ओपन नहीं होती तो आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाकर, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी. हैव अ नाइस डे, थैंक यू. Oh, oh, oh.